नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे IGIMS अस्पताल के बारे में। प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वैसे वैसे जनजीवन एक बार फिर से सामान्य हो रहा है। अब एक बार फिर से अस्पताल भी अपने पुराने रूप में खुलने लगे हैं। कोरोना काल के दौरान कई अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किया गया था, लेकिन अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो ऐसे में अब सारे बंदिशों को समाप्त करते हुए सरकार एक बार फिर से अस्पतालों में OPD सेवा को बहाल कर दिया है। आपको बता दें कि पटना IGIMS के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब हर विभाग में 100 मरीजों को देखा जाएगा। आपको बता दें कि किडनी रोग विभाग में 75 मरीज और नेत्र रोग विभाग में 125 मरीज देखे जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सभी विभागों में 50 मरीजों को ही देखा जा रहा था। अस्पताल प्रशासन ने अब फैसले के बाद से अब हर दिन करीब 2000 मरीज OPD में अपना इलाज करवा सकेंगे। इससे पहले अस्पताल में 1000 मरीज ही देखे जा रहे थे। आपको बता दें कि IGIMS में 22 विभागों में OPD चलाया जा रहा है, जहां मरीज इलाज करवाने के लिए प्रदेश के हर जिले से आते हैं। अब अस्पताल प्रशासन के लिए इस फैसले से हजारों लोगों को काफ़ी फायदा होगा। IGIMS में OPD के डॉक्टरों को दिखवाने के लिए ऑनलाइन ही नंबर लगेगा। इसके लिए IGIMS की वेबसाइट या फिर उसके ऐप पर जाकर नंबर लगवाया जा सकता है। नंबर जिस दिन लगाया जाएगा उसके अगले दिन का नंबर मिलेगा। बताया गया है कि गुरुवार को डॉक्टर से मिलने के लिए आपको बुधवार को ऑनलाइन नंबर लगाना होगा। अस्पताल की तरफ से यह भी बताया गया है कि अगर कोई ऑनलाइन नंबर लगाना नहीं आता है तो वो IGIMS के संबंधित विभाग के OPD में जाएंगे तो वहाँ स्वास्थ्यकर्मियाँ भी नंबर लगा सकेंगे, लेकिन नंबर लगवाने के एक दिन के बाद ही आप डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि OPD में नंबर लगाने के लिए 50 रुपये की फीस देनी होगी। ऑनलाइन नंबर लगवाने पर उसी समय ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगा। इधर IGIMS के डॉक्टर मनीष मंडल, चिकित्सा अधीक्षक, अब रोजाना 50 की बजाय हर विभाग में 100 मरीजों को देखेगा। उन्होंने कहा कि नंबर अभी भी ऑनलाइन ही लगेगा। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद से धीरे धीरे सभी सरकारी अस्पतालों में OPD खोला जा रहा है। आपको बता दें कि पटना एम्स, NMCH और IGIMS के OPD को एक बार फिर से शुरू किया गया है। इन सभी अस्पतालों में कोरोना काल के दौरान कोरोना अस्पताल घोषित किया गया था, लेकिन अब जब एक बार फिर से OPD में मरीज पहुंच रहे हैं तो ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के विभागों को खोलना शुरू कर दिया है। तो ये थी IGIMS अस्पताल के खोलने जाने यानी कि OPD में एक बार फिर से मरीजों को देखने के लेकर खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।